जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, आज इस मधुर लाइन के साथ हम अपना आज का जो ब्लॉग है वो शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद के इस्कॉन टेंपल में, जिसकी दूरी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से तकरीबन 11 किलोमीटर की है। और अगर आप एयरपोर्ट से इस टेंपल में आना चाहते हैं तो उसकी दूरी 18 किलोमीटर की है। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि इस्कॉन टेंपल सामने लिखा हुआ है, और हम उसके जस्ट अपोजिट में खड़े हैं। और ये दोस्तों जो गांधी नगर है उसके बिल्कुल हाईवे पे है। तो आप देख रहे हैं कि नताशा और अद्विक भी यहाँ पर हैं और आपको हेलो बोल रहे हैं। तो आज हम लोग पहुँच गए हैं श्री कृष्ण की चरण में। और अगर आप अपने टू व्हीलर से आते हैं या फोर व्हीलर से आते हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि टू व्हीलर आप इस मंदिर के बाउंड्री वॉल के साथ लगा सकते हैं, और फोर व्हीलर से आप आए हैं तो इसके अपोजिट में आप आराम से अपनी फोर व्हीलर को खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग गेट से यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, और गेट पे यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि गार्ड बैठे हैं, और आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप इनसे यहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर अंदर चलते हैं, क्योंकि आपको घुसते ही राइट साइड में दोस्तों एक काउंटर है जहाँ पर आपको अपने शूज चप्पल जो भी है आप यहां पर रख सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर आपको एक बैग दिया जाएगा, उस बैग में आप अपने शूज सैंडल को कलेक्ट करके यहां पे दे सकते हैं, और इसके लिए यहां पर दोस्तों आपको किसी भी तरह का शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहां से हमें एक टोकन मिल गया है, तो जब भी हम रिटर्न होंगे इस टोकन के सहारे से हम अपना जो भी स्लीपर शूज वगैरह है वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा एक बनाया हुआ है सेट, यहाँ पर हम मंदिर के दर्शन करने के बाद आएंगे, और यहाँ पे क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम मंदिर की तरफ चलते हैं, मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर चल के श्री कृष्ण और श्री राम के दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिल्कुल मंदिर के गेट पर आ गए हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं। और बाहर आपको दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी जो भी खूबसूरती है इस मंदिर की, वाकई में बहुत अच्छी है। तो चलिए, अभी हम प्रवेश अंदर करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो आरती का टाइम है वो भी लिखा हुआ है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी जो फ़ोटोग्राफ है वो आप लोगों से शेयर कर दूँगा, ताकि कौन सी आरती कब होती है आपको इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आप अंदर जैसे ही जाएंगे तो अंदर में आपको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में प्रसाद का काउंटर मिलेगा, क्योंकि आप अंदर जाएंगे तो भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे, तो यहाँ से आप जो है प्रसाद ले सकते हैं। तो हम भी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है राधा गोविंद शॉप है, तो यहाँ से हम प्रसाद ले लेते हैं और प्रसाद लेके फिर मंदिर के अंदर चलेंगे। तो हमने प्रसाद ले लिया है और प्रसाद लेके हम अंदर की तरफ चलते हैं। और काफ़ी सुंदर दोस्तों इस मंदिर को बनाया गया है, और आप दोनों साइड में देखेंगे तो चित्रकारी की गई है, पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें श्री कृष्ण राधा जी को दर्शाया गया है, उनके जीवन काल को दर्शाया गया है। और अभी हम अंदर चलते हैं, और अंदर काफ़ी श्रद्धालु ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा अंदर भीड़ है। तो चलिए, अभी हम लेफ़्ट साइड से मंदिर का जो दर्शन है वो करना शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। हमारा टेंपल ब्लॉग का चैनल है, सिर्फ हम टेंपल जितने भी है ना, प्रचार है, पता चलेगा कि मतलब कि हम लोग जितने भी पोरबंदर के टेंपल घूम लिए, जूनागढ़, द्वारका, सोमनाथ, अहमदाबाद, मतलब ऑलमोस्ट पूरा गुजरात कवर कर लिया है। अच्छा, बहुत अच्छा।
तो ये काफी सुना था, इसीलिए हम स्पेशली अहमदाबाद आए इसके लिए। जयपुर का जो मंदिर है राधा गोविंद उस पे पूरा बना हुआ है। अच्छा, काफी अच्छा है देखने में, बहुत ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। और ये भी एक बात में पूरा आइए। हाँ, फिर एक थोड़ा सा। ठीक है, मैं आता हूँ। आपने देखा दोस्तों कि अभी जो कृष्ण भक्त लोग हैं, जो कृष्ण जी की सेवा में लगे हुए हैं, और काफ़ी लोग खुश हैं कि हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से इस मंदिर का जो प्रचार प्रसार लेके भी वो काफ़ी उत्साहित हैं। और इसी मंदिर में आपको दोस्तों अंदर में किताबें मिल जाएंगी, भगवत गीता मिल जाएगा, तो आप अगर यहाँ पर आएँ तो आप बुक्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस मंदिर के दर्शन करते करते आपको इस मंदिर के बारे में कुछ बताता हूँ। इस्कॉन दोस्तों, जो इस्कॉन टेम्पल है, इसमें इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है उसका इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस को हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस सोसाइटी की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सन 1966 में की थी। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। वे भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा कृष्ण भक्ति में ही लीन रहते थे। कृष्ण भक्ति की वजह से ही उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के अभिलेख लिखने का कार्य भी प्रारंभ किया। इस कार्य का स्वामी प्रभुपाद पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट शुरू करने का मन बना लिया। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में इस्कॉन की स्थापना की। तो दोस्तों, आप अगर विदेश में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस्कॉन टेम्पल देखने को मिल जाएगा। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने संन्यास लेने के बाद पूरी दुनिया में हरे कृष्ण हरे राम का प्रचार प्रसार किया। अगर बात करेंगे दोस्तों कि ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो सन 1965 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अकेले ही अमेरिका की यात्रा पर निकले थे। न्यूयॉर्क शहर में पहुंचने के बाद प्रभुपाद ने अपने हरे कृष्णा मूवमेंट की स्थापना करने के लिए एक साल अकेले संघर्ष किया था। उन्होंने जहां भी अवसर मिलता था वहां पे वो कृष्ण के बारे में व्याख्यान करते थे, उनका प्रचार प्रसार करते थे। इस तरह अमेरिका में हरे कृष्ण मूवमेंट की शुरुआत हुई। आज दुनिया भर में इस्कॉन के दोस्तों 400 से अधिक मंदिर हैं और 40 ग्रामीण समुदाय और 100 से अधिक शाकाहारी भोजनालय शामिल हैं। और इन भोजनालयों में दोस्तों जो भी भक्तगण हैं उन्हें जो भी खाना पीना है वो बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ का जो भी इतिहास था मैंने आपको बताया कि ये जो इस्कॉन टेम्पल है उसकी क्या जो हिस्ट्री थी और किसने इसे बनाया था, जो मैंने आपको बताया था श्री वेदांत जी। तो दोस्तों, अभी दिख रहा है कि सामने जितने भी श्रद्धालु हैं वो बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण के मतलब जाप में वो लीन हैं। और यहीं पर ऊपर आपको दिख रहा है दोस्तों, जो श्री कृष्ण और राधा जी को ऊपर पेंटिंग के थ्रू दर्शाया गया है, मतलब कि नीचे श्रद्धालु बैठे हुए हैं और ऊपर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाई गई है। तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों, आपको काफ़ी शांति की अनुभूति होगी। वाकई में यहाँ पर जो पॉजिटिव वेव्स बोलते हैं, पॉजिटिविटी बोलते हैं, वो यहाँ पे हमें आने से मिली। और यहीं पे आपको अगर भगवान को चढ़ाने के लिए माला वगैरह चाहिए तो सब कुछ आपको अंदर ही अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। दोस्तों, यहीं पर मंदिर परिसर में ही आपको एक शॉप मिल जाएगा जिसका नाम मैचेस गिफ्ट है।
तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो मिल रही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एंटर करते ही राइट साइड में आपको बुक्स का स्टॉल मिल जाएगा, जहाँ पर भगवद गीता, हनुमान चालीसा वगैरह सब कुछ जो भी आपको चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से आप बहुत कुछ ले सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो दोस्तों घर पर सजाने के लिए आप यहाँ से सामान ले सकते हैं, और जो छोटा छोटा झूला होता है दोस्तों, जिसमें हम श्री कृष्ण जी को जब हम घर पे लाते हैं तो उनको झूले में रखते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, तो उसका वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से नताशा ने अपने मेन डोर पर लगाने के लिए एक नेम प्लेट लिया है जिसपे हरे कृष्णा हरे राम लिखा हुआ है, जो एक पॉजिटिव वाइब्स देता है। और साथ में हमने आसन लिया है, जब हम पूजा करते हैं तो आसन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी यहाँ पर मिल रहा है। और साथ में दोस्तों आपको पूजा से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, जैसे दिया हो गया, आपको अगर हुमाद वगैरह जलाना है उसके लिए, मतलब हर चीज़ जो भी आप अपने पूजा करने में यूज करते हैं वो सारी चीज़ें आपको इस शॉप में मिल जाएंगी। और घर पे दोस्तों भगवान का अगर फ़ोटो आपको लगाना है तो छोटे बड़े सारे साइजेज के फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी हमने जो लेना था वो ले लिया है और क्यू में खड़े हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बिलिंग भी कराना है। और एक बार मैं आपको यहाँ से पूरा जो शॉप है ऊपर से एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो यहाँ दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब अगर आप इस्कॉन टेंपल आते हैं तो इस शॉप में ज़रूर विजिट करें, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत की हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मंदिर परिसर के अंदर ही दोस्तों यहाँ पर एक 108 स्टेप्स बनाए हुए हैं, जहाँ पर आपको एक साइड से जाना है और एक वे बनाया हुआ है, और उस पूरे स्टेप्स को कंप्लीट करके बाहर निकलना है। तो जहाँ पर आदि खड़ा है वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। और दोस्तों बताते हैं कि जब भी आप इस इस्कॉन टेम्पल में आएंगे तो ये 108 स्टेप्स जो हैं वो आप पूरे करेंगे तो आपकी जो भी इच्छाएँ होती हैं, मन्नत होती हैं, वो पूरी होती हैं। तो नताशा का जो 108 स्टेप था और अद्विक का, दोनों का कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग मंदिर परिसर से बाहर निकले हैं दोस्तों, और ये जो मंदिर है वो काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो अभी हम लोग जस्ट मंदिर के बाहर आए हैं और इसके चारों तरफ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम मंदिर के जो बाउंड्री है दोस्तों, जो मंदिर एक्चुअल मंदिर परिसर का बाउंड्री है, उसके चारों तरफ हम चल रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि जो इसका रख रखाव है इस मंदिर का, काफ़ी अच्छा किया गया है, और जो साफ़ सफाई वो बिल्कुल सही है। और यहीं पे दोस्तों निःशुल्क प्रसाद जहां आपको दिख रहा है, तो यहां पर जब भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए जो भक्तगण आते हैं उन्हें किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाता है, निःशुल्क प्रसाद दिया जाता है। तो चलिए हम इस मंदिर के चारों तरफ एक बार परिक्रमा कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप फोर व्हीलर से आए हैं तो अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पार्किंग इंडिकेशन करके एरो दिखाया हुआ है। लेकिन हमने जो अपनी गाड़ी थी दोस्तों वो बाहर ही पार्क की है, क्योंकि बाहर भी आप सफिशिएंट स्पेस है पार्किंग के लिए, तो कोई किसी भी तरह की इशू नहीं है। आप अंदर भी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी जो कारें हैं वो लगी हुई हैं, और पार्किंग के लिए स्लॉट भी अच्छे हैं, और आपको इंडिकेशन भी क्लियरली दिया हुआ है कि आप यहां पे अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स एक विश्राम गृह भी बनाया हुआ है, जैसा आप दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपने लगेज के साथ यहां पर खड़े हैं। और यहां पे रूम्स हैं दोस्तों जो एसी वाले रूम्स हैं, तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे अगर दूर से तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पर
जो रूम है वो ऑक्यूपाइड ना हो, अवेलेबल हो। दोस्तों यहीं पर एक रेस्टोरेंट भी है, जैसा कि हमने इनिशियल में आपको दिखाया था, ये सारी जो शॉप्स थी वो उस वक्त बंद थी, लेकिन अभी ये सारी खुल गई हैं। तो आप यहाँ पर स्लो रिफ्रेशमेंट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा और 4 से 5 शॉप्स हैं, तो जो आपको खाने का मन करे आप यहाँ से ले सकते हैं और खा सकते हैं। दोस्तों तो आज के ब्लॉग में हमने देखा कि अहमदाबाद का जो इस्कॉन टेंपल है वो कैसा है, और इसे कैसे बनाया गया, किसने बनाया गया, और इस्कॉन का जो अपना इतिहास है दोस्तों वो कैसा है, इसकी कितनी शाखाएं हैं, इन सब के बारे में हमने बात की। और आपको ये सारा का सारा जो मंदिर परिसर है वो भी दिखाया, और इसकी कहाँ से कितनी दूरी है, सब कुछ के बारे में आज हमने बात की। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो ब्लॉग है आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मंदिर परिसर के ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, और हमारी गाड़ी जो है हमारा इंतज़ार कर रही है। तो जल्द ही मिलेंगे आपसे हम एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।